इस्लामाबाद में पहली नेशनल साइंस फॉरेंसिक एजेंसी कायम, 6 मुख्तलिफ शोबों में काम का आगाज, फिंगरप्रिंट्स, DNA, असलहा, बारूद के फ्रांजिक मुआयने की जद्दी तरीन सहूलियात दस्तियाब, मुलजिमान को जल्द से जल्द सजाएं मिलने की उम्मीद रोशन। क्राइम सीन से जुड़े शवाहिद की तहकीकात के लिए कायम शोबे में चाय वकूआ से हासिल नमूनों का जदीद अंदाज में मुआयना किया जाता है। इदारे में मनशियात और जहर के जरिए कत्ल की वारदातों का सुराग लगाने के शोबे भी काम में मसरूफ हैं। क्राइम सीन यूनिट है हमारा, एविडेंस रिसीविंग यूनिट है, DNA एनालिसिस हम कर रहे हैं, इसके अलावा फिंगरप्रिंट एनालिसिस, लेटेंट फिंगरप्रिंट उसका काम कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव्स का सेक्शन हमारा ऑपरेटिव है। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी में बम धमाकों और कत्ल की वारदातों समेत दीगर संगीन जराइम का सुराग लगाने के शोबों ने भी काम शुरू कर दिया है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों की, इन्वेस्टिगेटर्स की, इवन सुपरवाइजरी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर हम एक्सपर्ट्स यानी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। फोरेंसिक साइंस एजेंसी में झूठ पकड़ने वाली टेक्नोलॉजी के साथ फिजाई हादसों की तहकीकात का मरकज भी कायम किया गया है। माहरीन का कहना है जराइम की साइंसी बुनियाद पर तहकीकात से मुलजिमान को अदालतों से सजा दिलवाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन नैयर अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।